साल 2019 दी लोकसभा चोन च बठिंडा सीट तो कांग्रेस की हार। नवजोत सिद्धू दा फ्रेंडली मैच वाला बयान, कैप्टन सिद्धू दी एक दूजे खिलाफ बयानबाजी, होर भी मुद्दे जो कैप्टन ते सिद्धू होए आमो सामने। नवजोत सिंह सिद्धू का यो बयान है जिसने कैप्टन अते सिद्धू के रिश्तों से अग ते घ्यो वाला काम किया, क्योंकि पहला ही दोवां लीडरों के रिश्ते सुखावे नहीं सन। बस जिवें ही सिद्धू ने बठिंडा विच फ्रेंडली मैच वाला बयान दिता, कैप्टन ने भी साफ साफ कह दिता कि सिद्धू सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहता, इसलिए अजिहे बयान दे रहा है। कुछ वो चाहते हैं मेरे साथ कोई उनको, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी, पार्टी जो लड़ रहे हैं उनके उन पे पड़ेगा। जिस दिन लोकसभा चोणां दे नतीजे आए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खासकर बठिंडा सीट तो हार दा ठीकरा सिद्धू दे सिर भन्निया अते कहा कि सिद्धू एक दिन बाद भी बोल सकदा सी। कैप्टन नू जवाब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिता। सिद्धू ने पुछया सीएम दसन 40 सालां च बठिंडा सीट जीती कदों। मैं कहता सीगा उदों कि दिस इशू आई सेंट अ मैसेज दैट वेरी डे टू से दैट दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस सम सीट्स, मे बी इट हैज कॉस्ट अस बठिंडा। ਦੂਜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਲਕਰਾਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡਣ ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ कि नवजोत सिद्धू ने अचानक ही कैप्टन की कैबिनेट तो किनारा किया हो। कैप्टन सरकार च सिद्धू नाल अजिहे कई मोड़ आए जिन्हें सिद्धू नूं मजबूर कर दिता। मेयरां दी चोण प्रक्रिया चो सिद्धू नूं लांबे करन दा मामला जनतक तौर ते सामने आया। बिक्रम मजीठिया खिलाफ कार्रवाई की अपील की पर सिद्धू की सुनवाई ना हुई। कुछ चोणवे अफसरां खिलाफ कार्रवाई दीआं सिफारशां नूं अणगौलिया किया गया। मंत्री मंडल दी मीटिंगां दौरान भी कई मामलों ते सिद्धू दी वक्खरी सुर सब नूं रड़की। माइनिंग नीति ते नवजोत सिद्धू दे सुझावां दा विरोध होया। गैर कानूनी कॉलोनियां ते सिद्धू दा स्टैंड कोई असर ना विखा सकिया। बेअदबी मामलों ते बादलां ते कुछ अफसरां खिलाफ कार्रवाई लई सिद्धू दी ना सुनी गई। हालांकि हुण सिद्धू इकल्ले नहीं रहे जो अकाली दल दे कुछ सीनियर लीडरां खिलाफ सूबे दे मुख मुद्दियां ते जवाब ना मांग रहे हों। इस दी फहरिस्त लंबी हुंदी गई। पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत ने कैप्टन अते सिद्धू नूं सेम पेज उत्ते लियाउण दी काफी कोशिश कीती सी अते भविख नूं लै के कुछ इस तरह की उम्मीद जताई सी। आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, दोनों मिल करके 2022 में कांग्रेस की जीत का परचम लहराएंगे। बीजेपी छड़न दे बाद नवजोत सिद्धू 2017 विच कांग्रेस विच शामिल हुए सन। चोण जीतन दे बाद उन्हां दी कैप्टन नाल नहीं बनी। कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ना? ओ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है, समझे, और उनके भी कैप्टन राहुल गांधी साहब है। नवजोत सिद्धू स्थानक सरकारा अते टूरिज्म ते ट्रैवल मंत्री सन। सिद्धू ने लोकसभा चोणा 2019 च फ्रेंडली मैच वाला बयान दिता। 6 जून 2019 नूं कैप्टन ने नवजोत सिद्धू दा मंत्रालय बदलिया सी। कैप्टन ने सिद्धू दा मंत्रालय बदलदिआं बिजली मंत्री बना दिता। नवजोत सिद्धू ने 10 जून 2019 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 14 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
20 जुलाई 2019 नू कैप्टन ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर किया। सिद्धू और कैप्टन का कलेश गांधी परिवार लिए वड्डी सिरदर्दी रही। इसे ने पंजाब कांग्रेस नू लगभग दो फाड़ कर दिता। कई कांग्रेस के लीडर विधायक और मंत्रियों ने सिद्धू की तरह कैप्टन तो चुनावी वादियां सने सरकार के कामकार उत्ते जवाब मंगया। इथे रुकदे एक होर छोटे जिहे ब्रेक लई। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट तो बाद सियासी पिच ते खूब नाम ना खटिया, पर अजकल सिद्धू अपने सियासी वजूद लई जूझदे वेख रहे ने। इन्हां हालातां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे हुण तक दे सियासी जीवन ते झात मारदे आ। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। एमएलए सिद्धू, ओ सिद्धू जिन्हां दा खटैक क्रिकेट दे मैदान तो लेके सियासत दी पिच ते गूंजिया, इथों तक कि इस खटैक ने गुआंढी मुल्क पाकिस्तान विच भी धमाल पाई। अज नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस विच खुद दे सियासी वजूद लई फिर जूझ रहे ने। पहला असीं सिद्धू दे राजनीतिक सफर ते इक नज़र मारदे हां। नवजोत सिद्धू दा सियासी सफर। नवजोत सिद्धू ने सियासी करियर दी शुरुआत साल 2004 विच कीती। अमृतसर लोक सभा सीट तो सिद्धू ने बीजेपी दी टिकट ते चोण लड़ी। सिद्धू ने कांग्रेस दे आरएल पार्टीयां नू लोक सभा चोण च हराया। साल 2007 विच रोडरेज मामले च सिद्धू नू 3 साल दी सजा हुई। नवजोत सिद्धू नू रोडरेज मामले च पटियाला जेल भेजा गया। सिद्धू नू सुप्रीम कोर्ट तो जमानत मिल गई अते ओह जेल तो बाहर आए। 2007 विच सिद्धू ने बीजेपी दी टिकट तो अमृतसर तो लोक सभा दी जिमनी चोण लड़ी। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस चोण च सुरेंद्र सिंगला नू हराया। 2009 विच सिद्धू ने फिर अमृतसर लोक सभा सीट तो चोण लड़ी। नवजोत सिद्धू ने इस चोण च कांग्रेस दे ओपी सोनी नू हराया। 2014 विच बीजेपी ने सिद्धू दा टिकट कट के अरुण जेतली नू दिता। नवजोत सिंह सिद्धू नू बीजेपी ने राज सभा भेजिया। साल 2016 विच सिद्धू ने राज्यसभा तो इस्तीफा दे दिता। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी नू भी अलविदा बोल दिता। इस दौरान नवजोत सिद्धू दे आम आदमी पार्टी नाल जाण दे चर्चे चले। चंडीगढ़ विच सिद्धू दे नाम हेठ आवाज़ ए पंजाब मोर्चा भी बनिया। साल 2017 विच नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस विच शामिल हो गए। सिद्धू दी टिकट कट्टण नू अकाली दल दी सियासी चाल कहा गया। 2012 दी अकाली बीजेपी सरकार विच बादला नाल सिद्धू जोड़ी दी नहीं बनी। मैडम सिद्धू अकाली बीजेपी सरकार च हुंदे अपनी सरकार खिलाफ धरने प्रदर्शन करने पे। अकाली दल सिद्धू नू अमृतसर तो दूर करना चाहुंदा सी। अकाली दल नू सिद्धू तो सियासी खतरा सी। आता तो कह कही भी थी जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी, ठीक नहीं थी, वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन है। मैं आम आदमी पार्टी के पास गया, उनकी मंशा, उनकी नीयत साफ नहीं थी, मेरी नीयत साफ थी, ठीक। उसके बाद और उसके पहले भी कांग्रेस बाहें खोल के मुझे बुला रही थी। एक बार मैं प्रियंका जी से मिला, मुझे लगा यही वो जगह है जो मुझे बार बार पुकार रही थी और यहां नीयत बिल्कुल साफ है और मंशा बड़ी साफ है। ऐसा क्या कह दिया था प्रियंका? सिंपल सिंपल उन्होंने कहा, देखो
एक बात समझ लो, सिस्टम में जाए बिना तुम सिस्टम को साफ नहीं कर सकते। बाहर से देख के मूक दर्शक बन के, एक शो पीस बन के आप पंजाब को नहीं संवार सकते। ये उन्हीं की प्रेरणा थी और राहुल भाई ने भी ये कहा कि इफ यू वांट पंजाब टू कम अप यू हैव टू एक्चुअली स्लॉग इट आउट। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है दोस्त। कांग्रेस में नवजोत सिद्धू का स्वागत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया। Nikita, he is joined, he has told you, he has joined as a foot soldier of the Congress party and that is what we are happy with. Tusi Enanu Jandeo, he never makes conditions on anything, that is his history. And we have never had any problem and I want to, it's my, mera sada joint press conference pehli baar hai, assi sare ore MLA MP candidate ore baithe hai, that I am very happy, mainu bahut khushi hai, Navjot ji nu join karwa ke. हालांकि विरोधियों ने भी सिद्धू नूं उन्हां दे पुराने दिन याद करवाउण च देर ना लाई। कांग्रेस को वो कहती थी मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम है, मोदी साहब को कहते थे कि ये देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और सर मनमोहन सिंह इसको सोनिया की चिड़िया बनाना चाहती है। मुझे हैरानी है कि सिद्धू साहब को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन इसको वो घर वापसी कह रहे हैं। मुबारक है सिद्धू साहब को जो ये उनको घर वापसी लगती है। इस सब च आलम यह है कि अज तक सिद्धू तो बाद बीजेपी अमृतसर लोक सभा सीट नहीं जीत सकी। साल 2017 विच कांग्रेस हाईकमांड ने नवजोत सिद्धू नूं पार्टी च लिआंदा। सिद्धू अमृतसर ईस्ट तो विधानसभा चोण लड़े अते जीत हासिल कीती। कैप्टन सरकार विच नवजोत सिद्धू नूं कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सरकार विच शरिया कैप्टन सिद्धू च मतभेद सामने आए। सीएम कैप्टन ने नवजोत सिद्धू का मंत्रालय बदल दिता। सिद्धू ने मंत्रालय संभालने की बजाय राहुल गांधी को इस्तीफा भेज दिता। 14 जुलाई को सिद्धू ने अपना इस्तीफा जग जाहिर कर दिता। सिद्धू ने कैप्टन को भी अपना इस्तीफा भेजा जिसन प्रवान कर लिया गया। नवजोत सिद्धू ने कैप्टन की कैबिनेट छड़न तो बाद सरकारी कोठी भी खाली करने च देर न लाई। नवजोत सिद्धू अपना समान कोठी चो समेट के उसे अमृतसर शहर वापस मुड़ गए जिथों उन्होंने कदे अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी।